भाई इस टीम की बात करें, जरा पंजाब की ये टीम है, इन्होंने अपना कूलेंट, तेल, इंजन सब कुछ बदल लिया है, कप्तान बदल लिया है, अपना कप्तान अश्विन इन्होंने दिल्ली भेज दिया और अब केएल राहुल को बनाया है कप्तान यहाँ पर। और केएल राहुल जो है भाई, अजय आपसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है, गेल है कि नहीं है आपकी 11 में? देखिए, गेल का देखने के लिए तो पहले नाइट क्लब जाना पड़ेगा मुझे। अगर फुटबॉल ठीक चल रहा है, अगर वो रिदम में है तो खेलते हैं। क्या देखिए गेल जो है ना, गेल तो आज से नहीं, गेल आप ये मतलब ये तो कोविड का साल कह लो, कोई भी गेल साहब के साथ आप पिछले 5-7-8 साल से देख लो, जब वो है तो वो ही है। फिर आपको कोई टीम में कोई खिलाड़ी सामने कैसा खेलता है, 3 नंबर पे 5 नंबर पे हमारे को फिनिशर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता, वो जब चलते हैं तो फिर वो ही चलते हैं। तो वो एक गैम्बल है और अब तो जैसे बाकी हम चेन्नई की बात कर रहे थे, उम्र की तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी सबकी उम्र बढ़ रही है, जितने मर्जी आप जमैका में रहें वहां की लाइफ रहे, लेकिन उम्र तो वहां पे भी बढ़ती है। तो मैं मुझे पता नहीं, और इंटरेस्टिंग है फिर आ गया कोच पे बात, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि केएल राहुल ये डिसीजन ले रहे होंगे, वहां अनिल कुंबले गए हैं वहां, और यहाँ पे ये जैसे आपने कहा कि तेल बदल दिया, ये एक नहीं, ये 12 साल से चल रहा है, जब बदलते हैं पूरे घर के बदल डालते हैं ये लोग। तो इस बार अनिल है, इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अनिल कुंबले जो मैं जवानी के दिनों में के समझता हूँ, वो बिलीव नहीं करते थे हिट एंड मिस में, वो हमेशा कंसिस्टेंट सॉलिड पर्पसफुल जो प्लानिंग होती है उसमें बिलीव करते थे। लेकिन क्या अब इतने सालों के बाद, क्योंकि हर आदमी इवॉल्व होता है, आदमी देखता है, दूसरों से सीखता है, कोई सोच बदलती है, तो अगर पहले मैच में अगर आपको क्रिस गेल दिखे तो ये बात पक्की है फिर अनिल कुंबले का कोई नया रूप देखेंगे हम। भाई देखिए, अनिल कुंबले जो है नंबर 1 पे लेके तो गए थे भारतीय टेस्ट टीम को, क्या ये कर पाएंगे पंजाब के लिए? पंजाब फैंस भी कह रहे हैं भाई आपने इतने कप्तान, मुंबई इंडियंस को भी जिताया, बिल्कुल इतने कप्तान बदले हैं, इतने कोच बदले हैं, इतनी टीम बदली है, अब किस्मत ही बदल दो। स्पिनर तो सारे अपने ही रखे हुए उन्होंने, तो वो उनके साथ बातचीत अच्छी कर पाएंगे, उनको बेहतर समझेंगे, उनके लिए बेहतर सिचुएशंस बना के देंगे, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितने मेटिकुलस या जितनी प्लानिंग अनिल कुंबले करते हैं, खेल हो या जनरली भी, वो कोई कोई कोना छोड़ते नहीं है। तो वो जो तीनों स्पिनर हैं, वो उसका रोल बहुत बड़ा होगा, और आखिर में वो डिसीजन मुझे लगता है वही है कि गेल को खिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप गेल को नहीं खिलाएंगे ना, तो फिर मयंक अग्रवाल, करुण नायर जो इंडियन खिलाड़ी, क्योंकि मैं हमेशा इंडियन खिलाड़ी की बात करता हूँ, इनके पास लिमिटेड एबिलिटी होती है, सरफराज भी है, तो अब आप उनको पीछे पीछे धकेलते जाएंगे तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो खेल का जो डिसीजन है वो मेरे को लगता है मेरे लिए वो बताएगा इस साल किंग्स 11 का कैसा साल जाएगा, मुझे लगता है कि बेहतर साल होगा किंग्स 11 का इस साल। अजय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ गेल है, एक तरफ पूरन है, गेल ऊपर खेलते हैं, पूरन थोड़ा नीचे खेलते हैं, और अगर आप गेल को खिलाएं तो फिर आप मयंक और केएल राहुल को सलामी बल्लेबाज नहीं भेज सकते। और हर्षा आप कहते हैं केएल राहुल और मयंक अग्रवाल कड़क फॉर्म में, कड़क प्लेयर, बड़े अच्छे दोस्त दोनों, ये जय और वीरू को तो देखना चाहेंगे आप आगे? नहीं, आप देखिए अगर दोनों फॉर्म में हो, केएल राहुल मेरे दिमाग में रोहित शर्मा के बाद हमारे सबसे अच्छे व्हाइट बॉल प्लेयर, व्हाइट बॉल ओपनर है केएल राहुल है, मयंक अग्रवाल है, अगर 3 पे पूरन खिलाओ, 4 पे मैक्सवेल खिलाओ, तो क्या जबरदस्त टीम वही बन गई ना आपकी। तो पूरन और मैक्सवेल, मुजीब को खिलाएंगे आप, फिर शायद आप कॉटरेल को खिलाओ, शायद आप जॉर्डन को खिलाओ, लेकिन पंजाब की टीम होते हुए अगर ट्रैक स्लो हो जाए, जिसका हम सबको ये डर है कि ट्रैक स्लो हो जाए, तो देखिए वहां पे मुजीब है, वहां पे वो कृष्णप्पा गौतम है, और एक अंडर 19 में मुझे 2 प्लेयर बड़े अच्छे पसंद, बड़े अच्छे लगे थे उस टीम में, एक यशस्वी जायसवाल राजस्थान के और एक रवि बिश्नोई, की तरह ही बॉलिंग करते हैं, गुगली के ज्यादा करते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे बॉलर हैं, युवा प्लेयर हैं, तो स्पिन के साथ बहुत अच्छा खेलेगी ये टीम, किंग्स 11 बैंगलोर की टीम। सर एक बार आपको बता दूं, आप अगर कह रहे हैं कि रवि बिश्नोई सिर्फ एक टाइप की बॉल डालते हैं, अभी अनिल कुंबले के छत्र छाया के नीचे आ गए हैं, तो फिर तो आप देखेंगे काफी चीजें, कर्तव्य देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। भाई देखिए, युवा खिलाड़ी के लिए आप अगर 3 महीने बिता रहे हैं अनिल कुंबले के साथ, तो भाई
उसके बाद तो आप धनी होके ही आएंगे वापस। आखिरी सवाल आप दोनों से पंजाब के बारे में, क्या आप दोनों को लगता है पंजाब इस साल प्लेऑफ में पहुंचेगी, हाँ या ना? मेबी से नहीं काम चलेगा, नो मेबी बेबी, पहुंच सकती भी है अगर अगर स्टार्ट अच्छी हो, अगर एक रिदम बन जाए तो पहुंच सकती है। या मैं जरा हम देख रहे थे यहाँ पे कि अजय भाई ने जरा अपनी नौजवानी का नाइट क्लब खोल लिया था आपने अपने कमरे में, देख रहे थे मैं, स्ट्रोब लाइट लगी हुई थी, डीजे डीजे आने वाला है अभी, फ्राइडे नाइट 8:30 बज गए पार्टी। देखो देखो इतने सालों से आपने हमारी आदत खराब की है, कितने साल हो गए आईपीएल देखते हुए साथ साथ में, अब अकेले बैठ के मजा थोड़ी आएगा, तो पार्टी तो यहाँ जारी रहेगी। कल हम करेंगे ना एक दूसरे के साथ झूम, बराबर झूम करके देखेंगे, सारी दुनिया करेंगे झूम, हम भी करेंगे झूम। तो सवाल पे आ जाता हूँ, अगर क्रिस गेल की पार्टी चलेगी तो फिर इस टीम को भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस टीम में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ना कि इस साल इम्पॉसिबल है ये पिक करना, क्योंकि नहीं तो हर साल कोई एक आध दो टीम आपको नजर आ जाती थी कि यार इसमें ना ये कमी है, इसमें वो कमी है, प्लस डिफरेंस ये होता था कि आप बहुत सारी कंडीशंस में खेला करते थे, तो अगर आप में यू नो चेन्नई में टर्न हो रही है, कहीं पे बाउंस हो रही है, कहीं पे फ्लैट विकेट है, अब ये है कि आठों की आठ टीमें हर कंडीशन सबको बराबर मिलने वाली है, तो अल्टीमेटली फिर जो स्ट्रेटेजिकल टीमें होती थी ना, जैसे एक बॉलर थे एंड्रू टाई एक एग्जाम्पल के लिए, उनको मैं नहीं डाल रहा, वो जब आए थे नए नए वो स्ट्रेटेजिकल बॉलर मानता हूं मैं उनको, कि जब वो आते हैं बल्लेबाजों को पता नहीं होता, आप यू नो वो स्किल चलती है थोड़े दिन फिर बल्लेबाज उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन प्योर बॉलर्स होते हैं जैसे मिचेल स्टार्क हो गए यू नो, या प्योर बॉलर्स जो कहता हूं मैं, तो जो प्योर टीम्स खिलाएंगे इस साल, मेरा ये मानना है कि वो, इसलिए इतनी जल्दी बड़ा मुश्किल आंकना, एक एक मैच भी अगर हो जाएगा ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि टीमों की सोच क्या है। मैं क्योंकि इस बार जो स्किल लेवल है वो जिसके पास ज्यादा होगा वो बेहतर, क्योंकि कंडीशन सेम हो गई ना, आपको कोई एडवांटेज नहीं है यू नो चेन्नई वालों को। अजय जाडेजा को पार्लियामेंट में होना चाहिए था, आपने छोटा सा सवाल किया कि क्वालिफाई करेगी कि नहीं, देखो कितना वक्त उन्होंने इस्तेमाल किया बोलने के लिए और अभी तक ये नहीं बोला आपको कि क्वालिफाई करेगी कि नहीं करेगी। सर देखो ना ये बात तो है तो, नहीं बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो बैठा ही ल्यूटन्स दिल्ली में हूँ और मैं बैठा ल्यूटन्स दिल्ली में हूँ, अभी भी नहीं बता रहे क्वालिफाई करेगी कि नहीं। हाँ चार टीमें क्वालिफाई करेंगी इस साल, पंजाब करेगी कि नहीं मेरा मन नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। नहीं, अगर क्वालिफाई करेगी, नहीं ये एक बात और राइडर लगा दूं, अगर क्वालिफाई कर गई तो फाइनल में भी आप फिर इनको देखेंगे, क्योंकि नहीं ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, नॉट के ये विम्स एंड फैंसी नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिफाई कर गई तो इसका मतलब क्या है, जो नए कोच साहब आए हैं वो कंसिस्टेंट के आदमी है, केएल राहुल जो कप्तान है उनकी स्टाइल का वो यू नो डोमिनेंट नहीं है, वो विराट कोहली की तरह आपको नहीं नजर आते, तो अगर इनमें तालमेल बैठ गया और ये क्वालिफाई कर गए तो गारंटी है अनिल कुंबले की शातिर जो दिमाग है खेल का मुझे पता है, वो फिर ऐसी साइड बना के चलेंगे कि वो फिर वो नहीं रुकेंगे किसी से, लेकिन वो तालमेल बैठेगा कि नहीं उसका जो नट है ना वो है क्रिस गेल। तो ये नट फिट होता है कि नहीं, या अगर क्वालिफाई कर गए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं क्वालिफाई करे तो फिर आप देखेंगे पंजाब अगले साल नई सोच नए कोच हर साल यही होता है उनके साथ।